नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में आज गार्डनिंग के वीडियो में मैं प्याज लगाऊंगा। खुलुमबाई लोगोफोर, दिनैनि वीडियोआव दिनै सामब्राम गायनोसै। गार्डनिंगनि वीडियोआव दिनै सामब्रामखौनो गायनोसै, लाइ बिनबो गायनोसै। देखिए दोस्तों, हमने बीन का बीज और क्या कहते हैं लाई पता नहीं लाई को क्या बोलते हैं, हमारे भाषा में लाई बोलते हैं। ये बीन का बीज है। नहीं भैया, बीन नी बेगर माला कलर फनानी दोनों गाज्री जाए नी बाजार नी लाना नहीं फैदा आगे बिजनी फिर लाने रोज रोज थर ओमफ्राय नहीं भैया लाई नी बेगर बेखौनो गायनोसै दिनै। आज यही लगाएंगे दोस्तों, आज गार्डनिंग में यही काम करेगा हम लोग। देखिए प्याज को भी मैं बड़ा बड़ा को लेके आया। बड़ा बड़ा को लगाने से जो उसका लीफ है ये वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बड़ा बड़ा निकल आता है, इसलिए बड़ा बड़ा वाला को लेना चाहिए। फैदे लोगोफोर, गायहैदोनि सामब्रामखौ उसुंथिं इसे जायगा खालि दङ लेट्रिननि उनाव, बेयावनो इसे दुन्दियाबो फोदों ओमफ्राय मा होनो बेखौबो गायहैनोसै ना। आइए दस्त देखिए लेट्रिन के पीछे थोड़ा सा खुला जगह है, जमीन है, इसमें ही हम लगाएंगे। पहले से साफ करके रखा है हमने, थोड़ा नरम भी करके रखा है, इसमें ही लगाएंगे। इस तरफ धनिया का बीज लगाया है, अभी तक नहीं उगा है, थोड़ा समय लगता है धनिया को उगने में। देखिए मेरा बेटा पहले से वो इसको लगाने के लिए इतने एक्साइटेड है, पहले पहले काम कर रहा है। इसको थोड़ा क्या बोलते हैं, इसको ऊँचा करना पड़ेगा, ऊँचा करने से ज़्यादा अच्छा होता है प्याज को लगाने में। तो आलि खालामनानै लानोसै, आलियाव गायनोसै। ओमफ्राय सामब्रामखौथ' गायबा बिदिनो गायखायो नङा होमबा, टाबफ्रावबो गायजायो, जोंहा टाब गैला, फुल गायजोब्बाय आरो फुलबो गायबावनांगौ, ओंखायनो हायावनो गायनोसै, हायाबो इथिं दङ नालाय। थाब में लगाने से भी अच्छा होता है प्याज, लेकिन थाब में मुझे अभी ज़्यादा फूल लगाना है तो मैं मिट्टी में लगाऊंगा। इधर थोड़ा जगह भी है ना, इसलिए इधर ही लगाऊंगा। थाब में सब फ्लावर लगाऊंगा हिंदी मुंह में नहीं आता है, अपने भाषा तो जल्दी जल्दी आ जाता है बोलने में, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर भी बोल रहा हूँ, सीख रहा हूँ। हिंदी को बुबा आँ रंगाबा सलंगा इसे इसे बुन सामब्राम को हाना लान से खाट के लेते हैं, इसके बाद ही लगाते हैं। आप लोग कैसे लगाते हैं, हम लोग तो ऐसे ही लगाते हैं। इसे लगाने से जो उधर लीप का वो क्या है ना, वो दो दो रहता है, वो एक बार में दो दो निकल कर आएगा। बड़ा बड़ा को लेके आया है, उसका जो लीफ आएगा वो बड़ा बड़ा हो जाएगा। प्याज सोता होने से उसका लीफ भी सोता सोता होता है। देखिए मैंने वहाँ तैयार कर लिया, इसमें ही लगाऊंगा। बिदिनो गायखायो नङा होमबा, नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ सामब्रामखौ माबायदि गायो, थेवबो भिडिय' बानायनायखाय बुंबाय आरो ना आङो फारि फारि आरो हिन्दीनिबो बुंदों, माने इसे हिन्दीनिबो रायज्लायनो सोलोंदों, इसे गुबुन हारिफोरनिबो मानसिफोर थायो भिउवार्सफ्रा, ओंखायनो इसे हिन्दीनिबो बुंलांदों। बिसोरबो बुजिमोननाय बायदि नङाबा बुजिनाय नङा, मा बुंदों मा मादों सानगोन, ओंखायनो जों इसोरखौबो इसे बोनो नाजानांगौ। फिसालाया नै बिजौखौनो गायबाय, बेता उपारखान जो हिचा है उसको ही लगाया, यो तो नहीं होता है, जो नीचे वाला है उसको लगाना चाहिए। खाट का जो मायने रख दिया वो नीचे वाला को लगाऊंगा, जहाँ पर रूट है उसको ऊपर वाले को फेंक देंगे, खा भी सकते हैं।
मेरा बेटा ऐसा काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इधर तो इतना ज़मीन भी नहीं है, गांव में जाने में भी बहुत दूर है, जाकर ऐसा काम नहीं कर सकते। हम लोग टाउन में रहते हैं ना, इसलिए हाँ थोड़ा थोड़ा ज़मीन होता है, वही कर ऐसा करता है हम लोग। थोड़ा लंबा करके लगाऊंगा, थोड़ा 1 किलो ले आया था मैं। 2 लाइन बनाना पड़ेगा, एक ही लाइन में नहीं होगा, ज़मीन थोड़ा सोता है ना, इसलिए 2 लाइन बनाऊंगा। जल्दी ही इसका लीप निकल आएगा, जब लीप निकल आएगा तो मैं एक बार वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूंगा, आने से पहले कैसा होता है। जल्दी जल्दी से लगाऊंगा। अब तो नवंबर ख़त्म होने वाला है, दिसंबर आ रहा है, मेरा लगाना थोड़ा देर ही हो गया, जल्दी लगाना चाहिए था नवंबर को ही। अभी तो नवंबर का 20 हो गया आज, थोड़ा जल्दी लगाने से जल्दी का खता था, लेकिन अभी थोड़ा देर हो गया, दिसंबर को खाने को मिलेगा। देखिए हो गया दोस्तों, 2 लाइन हो गया। लारी गायबे आङो, दानिया बीन गायने से फैदो, हो गया। अब अभी बीन लगाएंगे, बीन का बीज, जो मैंने बीन का बीज लेकर आया था, जो बाजार में बेचते हैं ना, वो कलर कलर वो क्या लगा कर रखते हैं वो लोग, कुछ भी खराब नहीं होता है, जो भी लगाते हैं सब निकल, सब उसका पौधा निकल आता है, इसलिए बाजार से ले आना चाहिए। मैंने 20 रुपया का लेके आया था, बहुत ज़्यादा मिल गया। अभी तो जगह नहीं है, थोड़ा लगाऊंगा, फिर बाद में कहीं और जगह देख कर लगा दूंगा। ये बीन का बीज है, 2 लगाएंगे, जब वो पारा होगा तो फिर वो अच्छा से केयर करना पड़ेगा, तो अच्छा से फल देता है बीन। थोड़ा इसका पौधा अच्छा होने से, हेल्दी होने से ना, वो इतना क्या होता है, वो बीन लग जाता है ना। इधर भी लगाऊंगा, उसको सब जगह नरम करना नहीं पड़ता है, जहाँ पर लगाएंगे उसी पर हम लोग ऐसा करते हैं, नरम करते हैं और वहाँ पर बीज को डाल देंगे। सब जगह नरम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर लगाऊंगा इसी पर इस मिट्टी को नरम करके वहाँ पर बीज को लगा दूंगा। जेराव गायदों बेयावल' हाखौ नरम खालामनानै सौहरबायना, जाहाथे मोजां सिङाव हाबलांनाय बायदि, होमबासो बिफाङा सिंनिफ्राय रज'बोबा मोजां जायो। जो बीज है ना उसको अंदर रखना चाहिए, तभी जो पौधा उसका निकल आता है वो हेल्दी होता है, ऊपर में रहने से ना अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमने नीचे डाल दिया ताकि उसका पौधा हेल्दी हो सके, रूट अंदर तक जा सके। ऊपर ऊपर रहने से अच्छा नहीं होता है, इसका पौधा खराब हो जाता है, ये क्या बोलता है इसको, दुर्बल ऐसा हो जाता है, बाद में पौधा उगने के बाद ज़मीन देने से भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए नीचे से ही आना चाहिए, इसलिए हम लोग ने नीचे डाल दिया। Thank you.
आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे गार्डनिंग का वीडियो लेकर। कल मैं गार्डनिंग का वीडियो लेकर आऊँगा फ्लावर का। आज इतना ही दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। दिनेनि आंनि भिडिअआ एसेनोसै। अन्नानै चेनेलखौ साब्सक्राइब खालामनानै होदो, सापर्ट खालामदो आरो शेयारबो खालामनानै होदो। नोंथांमोननि सापर्टजोंसो आं आवगायलांनो हागोन। अन्नानै सापर्ट खालामदो। आरोबाव गाबोन गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन। दिनै एसेनोसै, गोजोन्थों।